बैटरी ऑफ ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ कितना है? 15 वोल्ट है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। कनेक्टेड इन टू रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम जॉइंड इन सीरीज। देखो, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। R1 जो है वो 4 ओम का है, R2 जो है वो 6 ओम का है, और इसको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी का EMF कितना है? 15 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट। पर मिनट मतलब टाइम दिया गया है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये कह रहा है कि एक मिनट है ये, ठीक है, कितना है? एक मिनट है ये। और किस में कैलकुलेट करना है? 6 ओम में कैलकुलेट करना है। तो अब अगर इसमें मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमको होना मिलना चाहिए। तो अगर मुझे आई की वैल्यू मिल जाए, यहाँ आई की वैल्यू मिल जाए तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर हमें पता करना है तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई अपान आर नेट होता है। और E की वैल्यू 15 है लेकिन आर नेट हमको नहीं मालूम है, तो आर नेट कितना हो जाएगा? सब सीरीज में कनेक्टेड है तो ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 12 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से आर नेट कितना आ गया? 12 ओम आ गया। हमने इस रेजिस्टेंस 4 को, 6 को और 2 को ऐड कर लिया, सब सीरीज में है तो 12 ओम आ जाएगा। I की वैल्यू आ जाएगी 5/4 आ जाएगा और I इज इक्वल टू 5/4 एम्पियर आ जाएगा। अब अगर हम W की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I की वैल्यू है 5/4 का होल स्क्वायर, R की वैल्यू अपने पास 6 है और कितने टाइम के लिए है? एक मिनट यानी 60 सेकेंड के लिए है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 6 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये बच रहा है 2, 20 और 5 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करो इसको, इस ये 3 हो जाएगा और अब आ जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 15/2 हो जाएगा और 45 ये हो गया और ये कितना हो गया? ये 15 से 45 और 25/2 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1125 और बाई 2 हो जाएगा और 25 जा 10, 26 जा 2.5। तो इसको डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा और क्या है ये? जूल में आ जाएगा, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है, ये जूल में आ जाएगा, 562.5 जूल आ जाएगा। इसी में कह रहा था तो इसमें ही, अगर इसमें कहता तो भी आप कैलकुलेट कर लेते W2 इक्वल टू आई स्क्वायर और R 1 और इंटू टी कर लेते, इसमें फिर वही वैल्यू 5/4 का होल स्क्वायर कर देते और R की वैल्यू अब की बार 4 ले लेते और टाइम फिर से वही 60 सेकेंड, तो इसमें भी आ जाता। चाहे जैसे भी आप कह, जैसा कहता वैसा कर लेते, आंसर आ जाता आपका, ठीक है।